हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मुझे मेरे पास ये एक फैब्रिक है, जो कि मेरे पास इतना ही ये फैब्रिक था। तो इस छोटे से पीस से हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इसका एक किनारा निकल रहा है, इसको काट के सीधा कर लिया है। एकदम हमें इसे सीधा काट लेना है। तो ये पीस की जो लेंथ है 25 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है 16.5 इंच है। अब मैंने इस पीस के नीचे जो है एक फॉर्म रख ली है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो राइस बैग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, या कोई मोटा फैब्रिक इसके बीच में लगा सकते हैं। और सबसे नीचे हमने लाइनिंग यानी कि सबसे नीचे वाला फैब्रिक रख लिया है और इस पर सीधी सीधी स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर 16.5 इंच यानी कि जितना की बैग की चौड़ाई है उतनी ही जिप ले ली है। और जिप को हम इस तरीके से 16.5 इंच वाले हिस्से के साथ ही दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे और बैठी हुई स्टिच लगा के फिनिशिंग कर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक फैब्रिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई जो है 3.5 इंच और 28 इंच लॉन्ग ये है। इसको हम यूं फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। तो दोनों की अलग अलग लंबाई जो है 28 इंच है। तो देखिए दोस्तों, हमने हैंडल तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इस फैब्रिक को यूं फोल्ड कर लेना है और इसका हाफ पे मार्क लगा लेना है। चाहे तो आप छोटा सा नोचिस लगा लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें हाफ पे नोचिस लगा लेना है। अब इस फैब्रिक को हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो जिप वाला किनारा है वो जो नोचिस वाले किनारे पे एकदम बराबर बैठ जाए। अब देखिए, यहाँ से इस कॉर्नर से हमें 3 इंच बाय 3 इंच का स्क्वायर निकाल लेना है। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे 3 बाय 3 इंच का, और इसी पीस को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी काट लेंगे। और इसी प्रकार से हमें थर्ड और फोर्थ कॉर्नर को भी कटिंग कर लेना है सेम साइज में। तो देखिए, कटिंग कर लिए हमने चारों कॉर्नर। तो खुलने के बाद आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सेंटर निकालना है और सेंटर से 2.5 इंच लेफ्ट और राइट पर मार्क लगा लेना है। और देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीध मान लेनी है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब जो हैंडल है वो हमें यूँ रखना है, यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। दूसरा हैंडल भी यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ का हैंडल भी हमें यूं स्टिच कर लेना है सेम साइज के अकॉर्डिंग, यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर के सीध पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये हैंडल स्टिच लगा लिए। अब हम जिप के अंदर रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद हम इस बैक को रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने पहले नोचेस लगाए थे यहाँ पर हमें यूं स्टिच करना है, इधर स्टिच कर लेना है दोनों साइड पे। तो देखिए, अब हमें इन कॉर्नर पर स्टिच लगानी है। इस तरीके से हमें पकड़ना है फैब्रिक और यूं स्टिच लगाएंगे, इधर स्टिच लगाएंगे और इधर भी स्टिच लगा लेंगे। तो चारों कॉर्नर पे हमें स्टिच लगा लेनी है इसी तरीके से। चारों कॉर्नर स्टिच करने के बाद हम इसे राइट साइड को टर्न कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बैग बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये 6 इंच के करीबन है, 11 इंच इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है चौड़ाई। और हाइट जो इस बैग की है वो भी 6 इंच के करीबन है। और देखिए यहाँ से 11 इंच का है, बेस इसका कितना बड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने एक छोटे से स्क्वायर पीस से ये सुंदर सा बैग बना दिया। तो आप भी अपने घर में रखे हुए छोटे से फैब्रिक के पीस से इस तरीके का सुंदर सा बैग बना सकती हैं, जो कि अगर आप कहीं जाती आती हैं एक दिन के लिए कपड़े वगैरह ले जाती है तो ये आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके के DIY वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।